This conference will now be recorded. Assalamu alaikum everyone. Umeed karta hu aap sab khair khairiyat se honge aur enjoy kar rahe honge. Sabse pehle maazrat chahunga aaj ki video thodi late ho gayi kyunki aap logo ko pata hai bahut busy routine hai aur bahut mushkil ho jata hai time adjust karna. Even 5-5 minute bhi jo hai na wo bhi bade mushkil ho jate hai adjust karna. To time nahi zaya karte, start karte hain, bismillah karte hain aaj ka. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. तो जनाब सबसे पहले हमारे पास है यूरो जेपीवाई और यूरो जेपीवाई का लास्ट टाइम अल्लाह का शुक्र है हमारे अच्छा रहा एनालिसिस. आज हम क्या करेंगे कि अभी यूरो जेपीवाई की जो प्राइस है वो है 12610 पे. यहां से हम वेट करेंगे थोड़ा सा इसके ऊपर जाने का. ये जो अभी हमारी सेल की मूव हुई है लाजमी थोड़ा रिट्रेस करेगा तो 126.20 जो है वो परफेक्ट लेवल होगा. ये एरिया जो है 126.20 एक अच्छा लेवल होगा सेल के लिए. स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 30 पिप्स का होगा 12650 से ऊपर और टेक प्रॉफिट जो होगा वो आपका होगा तकरीबन 100 पिप्स का भी आप रख सकते हैं चाहे तो. नहीं तो 12550 का एक अच्छा स्टॉप लॉस है. 30 पिप्स का स्टॉप लॉस होगा और टेक प्रॉफिट सॉरी जो होगा तकरीबन 70-75 पिप्स का होगा. अच्छी ट्रेड है. अच्छा नेक्स्ट यूरो यूएसडी हमारे पास है. यूरो यूएसडी भी आज सेलिंग में जाने के काफी बेहतर चांसेस हैं तो फिलहाल आप देख सकते हैं थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो रही है. करंट प्राइस है इसका 1.1846 तो आप थोड़ा सा वेट करें 1.1855 के एरिया पे आप सेल लगा सकते हैं. टेक प्रॉफिट जो होगा आपका 1.1795 या 50 पिप्स का आप रख सकते हैं. स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा तकरीबन 25 पिप्स का. इस ट्रेड में 1/2 का रेट है. अच्छी ट्रेड है हमारे पास तो ये भी आप ले सकते हैं. और इन केस अगर समहाउ मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है 1.1875 क्लोज हो जाती है थोड़ा स्टे लेती है उस एरिया को रिस्पेक्ट करती है तो आप फिर फर्दर बाय के लिए देख सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं 1.1908 के एरिया के लिए और स्टॉप लॉस आपका इस एरिया के नीचे होगा. नेक्स्ट चार्ट हमारे पास है जीपीपी जेपीवाई. आज जो मार्केट जो है वो सेलिंग तरफ जानी चाहिए. जितने भी पेयर्स हैं गोल्ड ऑयल वगैरह सारे सेलिंग की तरफ जाने चाहिए तो देखते हैं क्या होता है. अच्छा 139.45 हमारी इस वक्त करंट प्राइस है. सेल हम करेंगे 139.60 के एरिया से. स्टॉप लॉस होगा हमारा तकरीबन इस ट्रेड में 140.10 यानी कि 60 पिप्स और टेक प्रॉफिट आपका होगा तकरीबन 139 यहाँ फिर आप 100 पिप्स के लिए भी ले सकते हैं. यहाँ पे आके मार्केट अगर आप कल तक स्टे करेंगे तो मे बी आपको 100-150 पिप्स मिल जाए. यहाँ मार्केट थोड़ा स्टे करेगी थोड़ा ऊपर जाएगी और फिर यहाँ से नीचे आएगी. अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जनाब जीबीपी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी भी सेलिंग ही लग रहा है फिलहाल. अगर कोई फर्दर कोई फंडामेंटल इन्हें आज कोई बाइंग की तरफ ना भेजे तो मेरे हिसाब से सेलिंग ही है तो एक अच्छी ट्रेड हमें मिल जाएगी 1.3115 से. स्टॉप लॉस होगा हमारा तकरीबन 50 पिप्स का और टेक प्रॉफिट भी 50 पिप्स का या 100 पिप्स का होगा हमारा. मार्केट अभी रिट्रेसमेंट लेगी इसीलिए से आके कहीं सेलिंग की तरफ जाएगी तो एक ट्रेड हमें जो है इंशाल्लाह मिल जाएगी. नेक्स्ट हमारा फेवरेट मेरा फेवरेट गोल्ड. लास्ट अल्लाह का शुक्र है हमने बहुत अच्छी ट्रेड ली. हमने यहाँ से टॉप से सेल किया हमने यहाँ पे अपना टेक प्रॉफिट रखा फिर यहाँ से हमने इवन बाइंग की और अल्लाह का शुक्र है हमने एग्जैक्ट मूव जो है वो गोल्ड की उठाई. पहले सेलिंग में हमने बहुत अच्छी एक गोल्ड की मूव उठाई फिर बाइंग में हमने बहुत अच्छी एक गोल्ड की मूव उठाई. आप लास्ट वीडियो लास्ट में देखिएगा एग्जैक्ट यही मूव हमने बताई थी. अच्छा फिलहाल गोल्ड है 1950 पे. यहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं. स्टॉप लॉस होगा हमारा 1965 टेक प्रॉफिट हमारा होगा 1935 to 1920 अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो फर्दर ये 1900 की तरफ जा सकता है. बाइंग सिर्फ हम इस सूरत में करेंगे कि अगर ये इस एरिया से ऊपर ये लेवल आप देख रहे होंगे इस एरिया से ऊपर गोल्ड की मार्केट H1 की 2 से 3 कैंडल इसके ऊपर बनाती है अच्छा इस एरिया को रिस्पेक्ट करती है और इस एरिया से ऊपर मार्केट बंद होती है तो हम रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे. रीटेस्ट पे हम बाय करेंगे 2010 के लिए. स्टॉप लॉस हमारा होगा जो भी मीन्स के अभी ये इधर जो भी लो हमारा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और टेक प्रॉफिट हमारा 2010 होगा. अच्छा देन
प्रिडिक्शंस हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही हैं, हमारी रोज की अल्हम्दुलिल्लाह 70 to 80% बल्कि मोर देन 80% एक्यूरेसी है। आप इवन मेरी बातों पे भरोसा ना करें, आप पिछली जो वीडियोस हैं उनको 5 5 7 7 मिनट की वीडियोस है, आप खुद देखें, मार्केट से कॉपी करें, उसके बाद क्या हुआ, तो अल्लाह का शुक्र है 80 to 90% हमारी माशाल्लाह एक्यूरेसी जा रही है। बदले में आप भाइयों की सपोर्ट चाहिए, आप बहन भाइयों की, तमाम वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और लाजमी 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 1 मिनट लगता है आपका ये वीडियो शेयर करने में, हमारी हौसला अफजाई होती है, तो वीडियो को शेयर लाजमी करना है। बस मुझे नहीं पता, मुझे जो है पिछली वीडियो से ज्यादा जो है ना आप लोगों की सपोर्ट से व्यूज चाहिए इस वीडियो पे। लास्ट हमारी अल्लाह का शुक्र है, वो हर वीडियो पे हमारे 100 व्यूज जो है ऐड होते जा रहे हैं, तो इसका यही मतलब है काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है माशाल्लाह, और काम भी अच्छा है, तभी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं और देख रहे हैं हमारी वीडियोज को। तो लास्ट वीडियोस में मेरे ख्याल से हमारे 500 व्यूज थे, तो आप लोगों ने इस वीडियोस को जो है 600 पे एटलीस्ट लेके जाना है, आप लोगों ने शेयर करनी है वीडियो और लाजमी अपनी राय देनी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास सबसे लास्ट जो है वो है ऑयल। ऑयल का भी हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी ट्रेड्स आ रही हैं। ऑयल हमने लास्ट टाइम सेल किया था और फिर बाय किया था, इस एरिया से सेल किया था और फिर यहाँ कहीं पे बाय किया था इस एरिया पे, माशाल्लाह दोनों हमने बहुत अच्छी ट्रेड्स ली। फिलहाल ऑयल पे ये थोड़ी रिस्की ट्रेड है, ये मैं बताता चलूं, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व है इस ट्रेड में, मगर इस एरिया से जो अभी करंट प्राइस है, थोड़ा सा आप रिट्रेसमेंट का वेट करें तो बेहतर होगा। यहाँ से आप सेल कर सकते हैं ऑयल को 4.2 से या 4.2.35 के एरिया से जो है ऑयल को आप सेल कर सकते हैं एक अच्छी ट्रेड के लिए, और स्टॉप लॉस आपका इस एरिया से ऊपर होगा। मगर ऑयल पे ये आपने ध्यान रखना है कि ऑयल पे सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस एंटिंग ऑयल और गोल्ड पे होती है, तो अक्सर ये होता है कि वो स्पाइक मारते हैं, स्पाइक आती है और वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके नीचे जाते हैं, तो एहतियात आपका स्टॉप लॉस जो है 20 30 पे ऊपर रखेंगे, अगर मार्केट इस एरिया से ऊपर क्लोज होती है H1 की, तो आप भी लॉस 0। में काट सकते हैं, टेक प्रॉफिट होगा हमारा 41.4 के वर्ड रेशियो भी अच्छा है, तो ये भी आप देख सकते हैं अच्छी ट्रेड है रिस्क। अच्छा, साथ में मैं इस पे काम कर रहे हैं, तो इन पांच के पांच जितने ट्रेड लेनी है, ये हमारी कैलकुलेशन इस तरह से होती है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी एक या दो पे हमें लॉस होता है तो बाकी ट्रेड हमारी कवर कर देती है। तो होप यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, लाजमी सपोर्ट करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अपने, और जम के पैसे कमाइए। अल्लाह हाफिज।